मेंबर्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये मेरा चिली प्लांट है। आज मैंने सोचा आप लोग के साथ हार्वेस्ट भी करूं थोड़ी बहुत जो है। हाँ जी, ये देखें, ये चिली लगी हुई, इसको हमने हार्वेस्ट किया, इसको हार्वेस्ट किया, ठीक है जी। ये मेरा चिली का प्लांट है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। सही जी, ये देखिए ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई है, ये दो ग्रीन ही है और एक ये है, अभी कुछ छोटी हैं। सही है, देख सकते हैं आप। और ये प्लांट है मेरा। सही, अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी चिलीज, बहुत थोड़ी सी हैं लेकिन फिर भी किचन गार्डन की हैं तो फ्रेश है। ये देखें, सही, अच्छा जी, ये तो हो गई चिलीज। अच्छा जी, यहाँ पे भी कुछ चिलीज लगी हुई हैं, सही सही। अब आ जाइए गोभी, ये है गोभी, ये है गोभी, ये है गोभी, ये है गोभी। तो आज मैंने सोचा आज गोभी को भी हार्वेस्ट आप लोग के साथ कर लें। मिर्चें मिल चुकी हैं, गोभी की हार्वेस्ट हम करेंगे। सही है जी, एक सेकेंड, कैमरा हाथ में है और इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, सेटिंग करनी पड़ेगी सीजर का। ये रही छुरी और अब मैंने इसको कर लेना है। सही, कटिंग किस किस तरीके से करनी है, सॉरी दो मिनट रुकना पड़ेगा आप लोग को। ये ले, ये हमारे पास गोभी आ चुकी है। सही है, हाँ चिली हो गई, एक हमने तोड़ी है और चाहें तो हम इस प्लांट को निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें सकर्स नहीं आ रही है। ठीक है, इसको हम बाद में निकालेंगे, अभी ये कुछ बाकी हैं तो इनको हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। अब इसकी ग्रोथ देखने कितनी ज़बरदस्त चली है। ये देखें, गोभी की प्लांट की एक टिप्स दूँगी, अगर आप जुलाई में लगाएं, ठीक है, और अगस्त में इसकी पनीरी बारिशों में शिफ्ट कर दें तो आपने दो चीज़ का ख्याल रखना है। वैसे तो लास्ट टाइम तो मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हुई थी लेकिन उसमें ये था कि मैंने अगस्त में लगाई थी पनीरी और सीडलिंग की थी अगस्त में, सॉरी पनीरी मैंने 15 सितंबर पे की थी। तो जब ये मैच्योर हुए प्लांट्स तो कम से कम नवंबर दिसंबर लग चुका था, लेकिन इस बार क्योंकि मैंने जुलाई में ही लगा दी थी, अगस्त में सीडलिंग शिफ्ट कर दी थी, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना, और समझे नवंबर, पूरे चार महीने बनते हैं इसके ना, तो चार महीने में ये फ्रूटिंग से आ गई। अब मसला क्या हुआ, कराची में अक्टूबर में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रही, तो या तो इसके ऊपर आप शेड डाल दें, ठीक है, या तो आप इसको सुबह शाम पानी दें, क्योंकि होता क्या है ये फ्रूट तो बन जाता है तो जब इसको पानी कम होता है ना इसके पत्ते यूँ गिर जाते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं और ये पूरी ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ख़राब नहीं हुई है तो बहरहाल मैंने इसको हार्वेस्ट भी कर लिया। अच्छा, ये मेरा एक दूसरी जगह लगा हुआ था, यानी कि ये जिसमें बकरियों वगैरह का चारा वगैरह डालते हैं ना, गाय वगैरह का, उसमें इस टेंट था, ये देख सकते हैं, इसमें लगाया था। तो यहाँ पर तो अच्छी ग्रोथ चल रही है लेकिन जो मैंने क्ले पॉट्स में लगाए थे गोभी के प्लांट उसमें मेरे काफ़ी ख़राब हुए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसकी वजह क्या थी, वहाँ पे कीड़ों ने अटैक कर दिया, कीड़ों ने अटैक कर दिया जिसकी वजह से वहाँ पे वो प्लांट ख़राब हो गए, क्योंकि धूप तो ये अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ वाले प्लांट बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ ये क्या, अगर उसको पानी की कमी होती है तो पत्ते गिर जाते हैं, बाकी ये सेट चलते हैं। लेकिन वहाँ पर धूप तो थी लेकिन ये कीड़ों ने अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो मेरे प्लांट ख़राब हो गए, ख़राब हो रहे हैं, मतलब एक है उसको मैं अब चेक कर सर्च करूँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ कुछ पालक भी निकली हुई है, हम इस पालक को भी काट लेंगे, हम गोभी आलू पालक सब मिक्स करके इंशाल्लाह आज हम बना लेंगे, तो ये हमारी एक टाइम की डिश तो बन ही जाएगी। सही जी, ये है आगे भी लगी हुई थोड़ी सी पालक, तो चलो मैं आप लोग को आगे भी दिखाती हूँ। दस करीब करीब पॉट्स रखे हैं, रास्ता थोड़ा एडजस्टेड हो जाता है मेरे निकलने का, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
इधर बैगन लगे हुए। सही, अभी ये छोटे, इनको भी हार्वेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा, ये चुकंदर, हाँ चुकंदर लगे हुए लेकिन अभी बनना नहीं शुरू है। तो ये पालक हो गई है, तो पालक में हार्वेस्ट कर लूँगी। ठीक है जी, घर की सब्ज़ी बहुत मज़े की होती है। अगर आप लोग, आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो मैं समझती हूँ आप अगर करें तो किचन गार्डनिंग ज़रूर करें। किचन गार्डनिंग का एक तो ये फ़ायदा होगा, आपको फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपके हाथ आएगी, और जो तोड़ने का और खाने का जो मज़ा होगा वो अपना ही होता रहेगा। कि हमने पालक तोड़ ली। अच्छा जी, और मेरे किचन गार्डन में क्या लगा हुआ है? अच्छा, सिर्फ यही लगा हुआ है। और अच्छा जी, दूसरी जगह पालक लगी लेकिन वो छोटी है तो वो मैं नहीं तोड़ूँगी। सही है, अगर चाहें आप, जैसे ये चुकंदर के पत्ते हैं नीचे गिर रहे ना, सॉरी, तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ लें, डालने के लिए टेस्ट आ जाएगा। ये क्योंकि इसकी रूट्स इतनी न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है, तो इसके लीव्स भी लाजमी न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं। थैंक यू।